गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आगे अध्ययन करेंगे अपना जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी पाकिस्तान, चीन, मेक्सिको में चुनाव कितने समय के बाद में होते हैं। कुछ जगह पे हमने देखा 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं, कुछ में 6 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि वहाँ के जो प्रमुख दल है, पार्टियाँ हैं, वो ही हर चुनाव में क्या है कि विजय प्राप्त करती है। और इसके साथ साथ हम देखने को मिलता है कि वहाँ की पार्टियाँ चुनाव के समय काफ़ी गड़बड़ करती है और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे तरीके अपनाती है और हर संभव प्रयास करती है कि इन्हें चुनाव में विजय मिले और सरकार इनकी ही बने। इसी प्रकार आगे क्रम को जारी रखते हुए हमें लोकतंत्र क्या और क्यों में आज अध्ययन करेंगे वोट से संबंधित और उसके साथ कुछ इससे जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का हमारा जो प्रमुख बिंदु है, पहला वो है एक व्यक्ति एक मोल एक वोट। हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति है उसको चुनाव में एक ही वोट लगता है और इसके साथ साथ क्या है उस वोट का मूल्य भी क्या होता है समान होता है न कि असमान। उदाहरण के रूप में हमारे वार्ड के चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा एक मत दिया जाता है और वो एक बार ही मत दे सकता है और उस वोट का मूल्य अन्य व्यक्तियों के जैसा ही होता है। यानी ये नहीं है कि कोई अमीर है, कोई श्रेष्ठ है, कोई किसी विशेष जाति का है तो उसके मत का मूल्य अधिक होगा। नहीं, लोकतंत्र में सबके वोट का मूल्य समान माना गया है और एक व्यक्ति को एक चुनाव में एक वोट देने का अधिकार है और उसके कुछ विशेषताओं की हमने चर्चा पहले की थी। 18 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए और निर्वाचन पत्रावली में उसका नाम अंकित होना चाहिए। तो ऐसी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो बताई गई है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात आती है किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। हम देखते हैं कि विश्व के अंदर कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पे क्या है कि मतदान से संबंधित भेदभाव है, ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करें भारत की या कुछ अन्य देशों की, तो भारत में भी अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो सभी व्यक्तियों को क्या है मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में सभी व्यक्तियों को समान रूप से मत देने का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ ऐसे देश हमें देखने को मिलते हैं जहाँ मत के आधार पे, यानी वोट के आधार पे आज से कुछ साल पहले और कुछ साल ऐसे आज भी होंगे जहां भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात आती है सऊदी अरब में 2005 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम बात करें देश सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में 2015 तक जो महिलाएं हैं यानी जो औरतें हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको अपने मत देने का अधिकार नहीं था। ये बात करें हम सऊदी अरब की 2015 तक की, महिलाओं को वहां पे अपने मतदान का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। आगे बात आती है एस्टोनिया ने रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किलें होती थी। हम बात करें रूसी अल्पसंख्यकों की, पहले तो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक कहते किसे हैं। अल्पसंख्यक उन व्यक्तियों को कहता है, उन लोगों को कहा जाता है जिनकी संख्या अन्य जातियों के मुकाबले, अन्य समूहों के मुकाबले काफी कम होती है। यानी जो लोग, जो वर्ग संख्या में कम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। और जो रूसी अल्पसंख्यक थे उनको प्रमुख रूप से क्या है कि मतदान का अधिकार जो हासिल किया, उनको प्राप्त हुआ, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ा, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बाद में उनको मतदान का अधिकार
प्राप्त हुआ। बात आती है फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों को के वोट का महत्व है भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। यानी जो फिजी की चुनाव प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि वहां के जो मूल निवासी है यानी वहां के जो रहने वाले हैं उनकी तुलना अगर भारतीय मूल के फिजी निवासियों से की जाए तो उनका वोट का मूल्य जो स्थानीय निवासी है उनका अधिक बताया गया है, जबकि जो भारतीय मूल के फिजी नागरिक है उनके वोट का मूल्य कम बताया गया है। तो एक प्रकार से यह समानता है ये वोट के मामले में देखने को मिलती है। आगे बात आती है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। लोकतंत्र में एक बात स्पष्ट कही गई है कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो युवा हो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो उनको प्रमुख रूप से वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनका वयस्क होना अनिवार्य है। वयस्क यानी उनकी जो आयु है वो जो वहाँ पे निर्धारित की गई है वो उतनी होनी आवश्यक है और उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे उनका नाम भी जुड़ना जरूरी है, उसके बाद में वो मतदान कर सकते हैं। तो इसमें बात आई लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट एक वोट होना चाहिए यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार प्रत्येक चुनाव में मिलना चाहिए। बात आती है हर एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। अब बात आती है कि जो मत दिया जा रहा है जिस किसी भी चुनाव में तो उस मत का मूल्य क्या है समान है, असमान नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि जाति के आधार पे धर्म के आधार पे या वर्ग के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि मत क्या है समान है। मत का मूल्य क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और किसी भी आधार पे क्या है एक मतदाता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसका मौलिक कर्तव्य है मौलिक अधिकार है जो उसे संविधान के द्वारा प्राप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी हम प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं किसी भी देश की बात करें तो वहां कानून व्यवस्थाओं को प्रमुख माना जाता है और कानून व्यवस्था के अनुसार ही क्या है कि समस्त देश का शासन संचालन किया जाता है और जो भी वहां पे जो अधिकार है जो कानून है उनका प्रमुखता क्या है आदर सम्मान किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कानून का जो राज है और अधिकारों का जो आदर है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। प्रारंभ में हम जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां प्रमुख रूप से किसका शासन था जो अल्पसंख्यक गोरे थे, यानी जो अल्पसंख्यक गोरे समुदाय के जो लोग थे वहां पर प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि जिम्बाब्वे में वहां उनके अल्पसंख्यक गोरों का शासन था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में हम बात करें जिस प्रकार अंग्रेजों से भारत देश को आज़ादी मिली ठीक उसी प्रकार क्या है जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से क्या मिल गई मुक्ति मिल गई आज़ादी मिल गई। बात आती है स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे पर किस दल का राज था, यानी जिस समय जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली या स्वतंत्र हुआ उस समय जो जिम्बाब्वे है उस पे किस दल का यानी किस पार्टी का राज था तो ध्यान रखना जानू पीएफ दल का। किसका शासन था जिम्बाब्वे पे स्वतंत्रता के समय जानू पीएफ दल का राज था स्वतंत्रता के समय, उससे पहले किसका शासन था जो गोरे अल्पसंख्यक है उनका शासन था। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद नेता रॉबर्ट मुगाबे शासन कर रहे हैं, यानी देश जब स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जो जिम्बाब्वे के जो नेता है इनका नाम क्या है रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम है रॉबर्ट मुगाबे हैं जो नेता है जिम्बाब्वे के उनका शासन रहा है। तो इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जिम्बाब्वे है
उसमें जब आजादी से पहले की बात की जाए किसका शासन था, अल्पसंख्यक गोरों का शासन था। उसके बाद की हम बात करें तो प्रमुख रूप से स्वतंत्रता के समय की बात करें तो जानू पीएफ दल का राज था, और स्वतंत्रता जैसे ही प्राप्त हो गई जिम्बाब्वे को तो उसके बाद जो नेता रॉबर्ट मुगाबे हैं वो उनका शासन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आगे बात आती है राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। अब बात करें हमें कि रॉबर्ट मुगाबे की, तो चुनाव के समय जो ये रॉबर्ट मुगाबे हैं ये चुनाव में सही तरीके अपनाते नहीं अपनाते, शांतिपूर्ण तरीके अपनाते नहीं हैं। ये ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे इनकी पार्टी को, इनके दल को या इनको लाभ मिले, ऐसे तरीके, ऐसे हथकंडे हैं ये प्रमुख तय जानू के प्रमुख द्वारा देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो रॉबर्ट मुगाबे हैं चुनाव के समय कैसे तरीके अपनाते हैं, ये गलत तरीके अपनाते हैं, अनुचित तरीकों को इनके द्वारा अपनाया जाता है प्रमुख रूप से। बात आती है चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल की ही जीत होती है। अब एक विशेषता यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है कि चुनाव है वो एक निश्चित समय के बाद में नियमित रूप से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी जो चुनाव का जो समय है वो निर्धारित किया गया है और उस निर्धारित समय के आधार पर ही क्या है जिम्बाब्वे में चुनाव होते हैं। और एक विशेषता देखने को मिलती है यहाँ की कि जो दल है मजबूत दल है जानू पीएफ दल, इस दल की क्या है हर बार जीत होती है, विजय प्राप्त होती है, क्योंकि ये चुनाव में ऐसे तरीके अपनाता है जिससे इस पार्टी को लाभ हो, और विपक्ष में अगर कहीं भी विरोध इनका होता दिखाई देता है तो ऐसे तरीके अपनाते ताकि इन पार्टी को लाभ मिल सके। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ करवाई जाती है। एक बात और देखने को मिलती है, विपक्षी दल यानी जानू पीएफ दल के विपक्ष में जो पार्टियां हैं, विपक्ष में जो दल है वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो कार्यकर्ता है उस पार्टियों के दलों के जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, और उनकी जहां जहां भी सभाएं होती है, जहां जहां भी उनकी पार्टियों के द्वारा प्रमुख तय संबोधन किया जाता है लोगों को पार्टी के बारे में, उसके एजेंडे के बारे में वहां सभाएं की जाती है, वहां जो विपक्षी पार्टी है, कौन सी पार्टी, जानू पीएफ दल, उसके द्वारा वहां पे बहुत सारे गड़बड़े हैं, बहुत सारे हमले हैं, लोगों को डराना धमकाना है, मारना पीटना है, ऐसी गड़बड़े प्रमुख रूप से पार्टी जब होती है, जब सम्मेलन चलते हैं, सभाएं होती हैं तो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सरकार के विरुद्ध जो भी पार्टी, जो भी समूह, जो भी लोग प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन करते हैं उनको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। जबकि लोकतंत्र में हम देखते हैं, लोकतंत्र में सभी समूहों को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, रैलियां निकालने का अधिकार होता है, आंदोलन करने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ सरकार है वो इन कार्यों पर प्रतिबंध प्रमुख रूप से लगाती है। बात आती है टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेलीविजन और रेडियो है यहाँ सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, ये इनको स्वतंत्रता है वो अपने क्षेत्र में नहीं मिली हुई। बात आती है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार प्रसारित होते हैं, यानी इन टेलीविजन और रेडियो पे सिर्फ जो शासक दल है यानी जानू पीएफ दल है इसके विशेषताओं के, इसके गुण के, इनकी सभाओं के, इनसे संबंधित जो विचार है वही प्रसारित होते हैं, जबकि अन्य पार्टियों के विचारों को महत्व है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचनाएं करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। अखबार है, समाचार पत्र है, वो है तो स्वतंत्र, लेकिन सब वही समाचार पत्र स्वतंत्र है जो सरकार की आलोचना नहीं करते, सरकार की कमियां नहीं गिनाते, सरकार विरोधी संबंधी बातों को नहीं छापते। लेकिन अगर सरकार के विरुद्ध अखबार कुछ छापते हैं, कुछ समाचार लिखते हैं, जोड़ते हैं,
तो ऐसी सरकार की आलोचना अगर वो करते हैं तो आलोचना करने वालों पत्रकारों को परेशान किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, उनको उनके कार्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनको उनके कार्य से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार देखने को मिलता है कि सरकार है, कुछ पार्टियां हैं, वो चाहती है कि उनका ही शासन हमेशा बना रहे और विपक्षी पार्टियों को महत्व नहीं दिया जाता। और समय समय पर देखते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनके सभाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ाई झगड़े है, दंगे फसाद है, ये करवाए जाते हैं ताकि पार्टी, उनकी सरकार है वो बनी रहे और उसकी पार्टी है वो काफ़ी समय तक वहाँ पे शासन करती रहे प्रमुखता।